तो ये गाड़ी आई है हमारे पास स्टार्टिंग प्रॉब्लम में, कस्टमर ने बाहर भी गाड़ी चेक करवाई है, देखो ECM पे पेच लग रहे हैं, रिपेयर करवाने की पूरी कोशिश की है बट गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। क्रैंकिंग करो जरा यार, रुको एक मिनट, मैं मीटर में लाइट वगैरह भी आपको दिखाता हूँ। तो अभी करता हूँ इग्निशन ऑन, तो इसमें हमें देखना है चेक इंजन लाइट ECM की आ रही है प्रॉपर, फ्यूल की भी आ रही है ठीक है, एंड हैंड ब्रेक की भी आ रही है। तो लाइटों में ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि लाइटों में कोई दिक्कत है। अभी मैं क्रैंकिंग और करता हूँ, कुछ नहीं बोल रही। अभी इंजन रूम में दिखाता हूँ मैं, और एक चीज और दिखाता हूँ, ये जो चाबी है ये रेडिगो की है ही नहीं, ठीक है ना। रेडिगो की चाबी निकालना भाई, चाबी दिखाओ दूसरी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये कस्टमर ने बाहर से बनवा रखी है चाबी। अभी सिस्टम भी लगाएंगे, चेक करेंगे गाड़ी इमोबिलाइज तो नहीं है, अगर इमोबिलाइज है तो फिर अगले स्टेप पर चलेंगे। चाबी खराब है ये, मतलब ये काम नहीं कर रही होगी, कर भी रही हो तो भी, बट ये इसकी चाबी नहीं है रेडिगो की, बनवा रखी है कस्टमर। तो दोस्तों चाबी ऐसी होती है रिमोट उसकी, जो डैटसन रेडिगो की होती है ठीक है। एंड ये वाली जो मैंने आपको दिखाई थी, कस्टमर ने पता नहीं कहाँ से लगवाई है, पुरानी है, देख रहे हो फर्क, देखो दोनों में है ना। तो ये चाबी खराब है, एंड ये वाली ओरिजिनल होती है चाबी डैटसन रेडिगो की। चलो एक बार क्रैंक करो, दिखाओ जरा सेल्फ मार के, चलो फिर से। हाँ सेल्फ मारो ना, बस ठीक है ठीक है। ये पाइप निकालो बाबू, पाइप निकाल रहा है ये फ्यूल का अभी। अभी इससे पहले जब भी आपके पास गाड़ी आते तो आपको दो चीजें चेक कर लेनी चाहिए, स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो या कोई भी, कूलेंट प्रॉपर है कि नहीं है सिस्टम के अंदर, कूलेंट है ठीक है। ये देखो इंजन ऑयल का लेवल चेक करना चाहिए, इंजन ऑयल भी है, ये क्रैंकिंग किया है तो ऊपर तक आ गया, यहाँ पर इधर करो जरा, यहाँ तक है ठीक है। तो इंजन ऑयल भी ओके है, तो इससे क्लियर हो गया कि हमारा कूलिंग सिस्टम ओके है और इंजन जो है वो भी ओके है। पर ये रेडिएटर कैप खराब है, फैल रहा है ज़्यादा ही, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो रेडिएटर कैप चेंज कर देना ठीक है। अभी इंजन से हम क्लियर हो गए, अंदर कोई इंटरनल कोई दिक्कत नहीं है, ओवरहीटिंग से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। सेल्फ मार के चेक करेंगे फ्यूल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो ठीक है फ्यूल नहीं आ रहा। तो अभी हमें चेक करना है फ्यूल पंप के कनेक्टर पे सप्लाई ठीक है। चलो सीट निकाल दिए मैंने पीछे की ठीक है। अभी देखो कस्टमर ने पूरी कारस्तानी करवा रखी है, ये देखो अलग अलग हो रहे हैं चारों तार, और यहाँ से रिपेयर भी करवा के रखा है। तो कोई नहीं, ये रिपेयर है कि नहीं है वो छोड़ो उस चीज़ को, अभी हमें इस पर सप्लाई चेक करनी है कनेक्टर पे आ रही है कि नहीं आ रही। मल्टीमीटर लेके आओ बाबू, इसके कनेक्टर पे सप्लाई चेक करनी है प्रॉपर है कि नहीं है, रिपेयर करवा के रखा हुआ है, देखते हैं। चलो करते हैं इस गाड़ी को स्टार्ट। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो ये वाली है ये इसकी ग्राउंड की वायर है, ये ब्लैक एंड वाइट ठीक है, इस पर ग्राउंड आएगा, और ये जो है पिंक इस पर सप्लाई आएगी 12 वोल्ट, और ये जो दो हैं बीच की है ट्रांसपोंडर की है, जो हमारा फ्यूल पंप है वो जो मीटर के अंदर फ्यूल शो कराता है, ट्रांसपोंडर रिंग कह रहा हूँ, ट्रांसपोंडर जो होता है फ्यूल कितना है वो शो कराता है मीटर के अंदर ठीक है। अभी एक और चार पे लगा के इग्निशन ऑन करना है, तब देखेंगे सप्लाई यहाँ तक आ रही है कि नहीं आ रही। चलो इग्निशन ऑन करो, ऑफ करो, ऑन करो। तो इग्निशन देखो ऑन ही करके रखा है वो मीटर में देखो ठीक है, बट सप्लाई बिल्कुल नहीं आ रही इस पर। एक बार ऑफ और करो, ऑन ऑफ, कुछ नहीं हुआ। तो अभी हमें पहले इसके फ्यूल पंप का कनेक्टर जो है इसके सप्लाई चेक, 10 एम्पियर का फ्यूज देखना पड़ेगा ठीक है। अब फ्यूज देखते हैं अंदर है वो, तो अभी इसका फ्यूज निकालेंगे हम। ये है इसका 10 एम्पियर का फ्यूज फ्यूल पंप का ठीक है, उससे भी बात नहीं बनी तो फिर हम रिले निकालेंगे ठीक है। चलो फ्यूज निकल गया है बाहर, एंड देखिए ओके है फ्यूज, फ्यूज में भी कोई कमी नहीं है ठीक है।
अभी हम ये रिले होती है इसकी, ये रिले यहाँ पे लगाएंगे, इसकी इधर, फिर उसके बाद चेक करेंगे फ्यूल आ रहा है कि नहीं आ रहा, एंटर चेंज करके देख लेंगे। फ्यूल तब भी नहीं आ रहा तो फिर कुछ और ही सीन है, पंगा है, सिस्टम लगा के चेक करेंगे, लगा दे। तो ये रिले हैं ये 20 एम्पियर की, इसमें मैंने हमने सारी एंटर चेंज करके देख ली, एक एक करके बदल के, रिले से भी काम नहीं बना। जरा सैंक मार भाई दोबारा, बस ठीक है, अभी करेंगे सिस्टम लगाएंगे फिर करेंगे जो चेक। तो दोस्तों कंसल्ट लग गया है, ये देखिए इसमें ऑयल प्रेशर सेंसर, ये क्लस्टर के अंदर आ रहा है ऑयल प्रेशर सेंसर सर्किट, ये आता ही है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट पास्ट में कैन कम्युनिकेशन का आया है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इंजन के अंदर भी सारे पास्ट में ही हैं, छः पेज भर गए, इतने डीटीसी हैं इसके अंदर। अभी मैं अगले पेज पे भी चलता हूँ, तो ये देखिए सब इंजन के अंदर आ रहे हैं मैक्सिमम, एंड ये पांचवे पे फिर ईपीएस आ गया और लास्ट में ये है। अभी सारे डीटीसी एक बार इरेज करके देखते हैं, इसके बाद देखते हैं होता है क्या, आगे क्या आता है डीटीसी इरेज होने के बाद। तो ये डीटीसी इरेज हो गए हैं फ्रेंड्स, अभी इंजन के अंदर कुछ शो हो रहा है, मुझे लग रहा है इंजन के अंदर से जो डीटीसी हैं वो डिलीट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये गाड़ी चलती चलती बंद हुई है, तो मैक्सिमम टाइम गाड़ी इमोबिलाइज हो जाती है। इमोबिलाइज मतलब सिक्योरिटी सिस्टम में इंटरप्शन आ जाता है। इंटरप्शन आने का मतलब है कि जो गाड़ी का ECM जो है वो इमोबिलाइज हो गया, इमोबिलाइजर जो है इसके अंदर एक्टिव हो गया, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। एक्टिव होने के बाद होता क्या है, गाड़ी का जो फ्यूल पंप है वो काम नहीं करेगा, हमने सप्लाई भी चेक किए वो नहीं आ रही है, ठीक है, एंड सप्लाई भी इग्निशन कोयल और करंटों पे नहीं आएगी। तो अभी जाके चेक करते हैं, क्लस्टर में भी देखेंगे और इसमें भी देखेंगे गाड़ी मोबिलाइज है कि नहीं है। तो दोस्तों ये गाड़ी है 2017, ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस गाड़ी के अंदर BCM नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने क्लस्टर के अंदर जाके चेक किया है, जो BCM का काम, जो सिक्योरिटी सिस्टम का काम है वो क्लस्टर फॉलो करता है सिक्योरिटी सिस्टम से रिलेटेड। जैसे चाबी है, जैसे ये चाबी जो है मैंने दिखाई थी आपको, ये चाबी क्योंकि रेडिगो की नहीं है, ओरिजिनल ये बाहर से कस्टमर ने बनाई है, एंड ये गाड़ी चलते चलते बंद हुई है। तो अभी इसमें जो इमोबिलाइजर है वो एक्टिव दिखा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका हमें एक बार कोडिंग करके देखनी पड़ेगी, कोडिंग अगर हो जाती है तो वे DTC भी चले जाएंगे और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, वरना अगर कोडिंग होके गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो फिर ECM और क्लस्टर दोनों रिप्लेस करने पड़ेंगे। वो क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ क्लस्टर के अंदर डाटा, ठीक है। तो क्लस्टर ऑटो में यहाँ आपको दिख रहा है एक्टिव है, इमोबिलाइज हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ECM में, ECM में आपने देखा ही था जो DTC है वो उसमें जा नहीं रहे, मीटर के अंदर जो था वो इमोबिलाइज था, एंड DTC जो है वो भी इसके अंदर से नहीं जा रहे। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक बार कोडिंग करनी पड़ेगी, DTC जा नहीं रहे हैं इस वजह से इमोबिलाइज हो रखा है, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं हम कोडिंग करने की कोशिश करेंगे। देखिए हम वापस होम पे गए थे एंड हमने इमोबिलाइजर क्लिक किया है, एंड अभी हम यहाँ देखेंगे इसमें वैन परफॉर्मिंग बॉडी कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग द इंजेक्शन कंप्यूटर। कोडिंग की वीडियो मैंने डाली हुई है फ्रेंड्स, मैं उनका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कैसे करते हैं कोडिंग जाके, तो मैं वो वीडियो आप देख लेना ताकि ये वीडियो लंबी ना हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एंड ऑफ द प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है, की असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है, की कोडिंग। जब आप वीडियो देखेंगे कंप्लीट होने के बाद ये एंड ऑफ द प्रोग्रामिंग मतलब प्रोसेस दिखेगा। कोडिंग इस गाड़ी की हो चुकी है, अभी हम जरा एंड कर देते हैं, एंड अब जाके डायग्नोस होल में एक बार DTC फिर से डिलीट करेंगे एंड गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। डायरेक्ट डायग्नोस होल पे चला जाता हूँ, ओल्ड DTC पे। तो दोस्तों सबसे पहले खुशखबरी, जब हम DTC पहले डिलीट कर रहे थे, जब गाड़ी इमोबिलाइज थी उस टाइम पर DTC डिलीट नहीं हो रहे थे, अब इंजन में भी कोई DTC नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको जरा क्लस्टर में जाके एक बार दिखा देता हूँ गाड़ी इमोबिलाइज है कि नहीं है, ठीक है ना। डाटा मोनिटर एंड की फोब रजिस्ट्रेशन, इसके बाद आ जाते हैं इंजन इमोबिलाइजर ब्लैंक की, बस ये दो तीन चीज़ें ले लेते हैं। मोबिलाइजर इसमें एक्टिव दिखा रहा था उस टाइम पर, यहाँ देखना आप इंजन इमोबिलाइजर इन एक्टिव, वीडियो में पीछे जाना मैंने दिखाया था, तो ये इंजन इमोबिलाइजर एक्टिव दिखा रहा था, ठीक है फ्रेंड्स।
अभी मैं एक चीज और बताऊंगा, फ्यूल पंप के कनेक्टर पे सप्लाई नहीं आ रही थी पहले तो, ठीक है। अभी मैं फ्यूल पंप के पास भी ले जाता हूँ, इग्निशन ऑन ऑफ करूंगा, फ्यूल पंप भी बोलेगा, ठीक है। मैं वहां ले जा रहा हूँ, फ्यूल पंप के बिल्कुल पास में रखी है ये, तो अभी मैं ऑन करूंगा इग्निशन। आवाज आई होगी आपको, ठीक है, मैं जरा सही से सुनाता हूँ आवाज। अब सुनना फ्रेंड्स, मैंने अपना माइक भी वहीं रख दिया, आ रही होगी ना। से क्लियर हो गया, जो फ्यूल पंप है उसमें भी वो अब चल गया है, वहां तक सप्लाई ऑटोमेटिक आ गई है, कोई डीटीसी भी नहीं है गाड़ी के अंदर, एंड अब गाड़ी स्टार्ट भी हो जाएगी। मैं अभी आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो अभी मैं करता हूँ गाड़ी को स्टार्ट, एंड चाबी देखो मैंने कहाँ कहाँ रखी है। ये वाली चाबी मोबिलाइजर के अंदर है, नई वाली, और पुरानी लॉक सेट में लगी है। और अब करते हैं स्टार्ट गाड़ी को। ये देखो आरपीएम, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। बंद कर देता हूँ, अभी इंजन रूम में चलता हूँ। स्टार्ट कर बेटे, रेस मत देना बिल्कुल भी, स्टार्ट कर दो। गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल है, स्टार्ट है, इंजन देखिए बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। दोस्तों ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो गाड़ी बिल्कुल आपको ओके मिलेगी। ईसीएम कस्टमर ने रिपेयर करवा के रखा हुआ है, ये ईसीएम भी बचा लिया, ठीक है दोस्तों। तो यही था इस वीडियो में, मेरी वीडियोज़ को लाइक करने के लिए, बंद कर दो गाड़ी, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।